हजारीबाग नगर निगम के महापौर रोशनी तिर्की एवं प्रभारी सचिव नगर आयुक्त विजय जाधव के बीच रंजिशें बढ़ती दिख रही है। 18 फरवरी को बगैर महापौर को मीटिंग में बुलाए उप विकास आयुक्त ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की, जिसमें उप महापौर और वार्षद के साथ मिलकर 151 करोड़ की योजनाओं को पास कर दिया गया। इस पर बड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए महापौर रोशनी तिर्की ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस पर विजय जाधव ने जवाब दिया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी महापौर के अंदर नहीं आते, अतः कारण बताओ नोटिस उन पर जारी नहीं हो सकता। बैठक कर दिया जाना और उस पर आपका आपत्ति दर्ज कराया जाना और आपका शोकाउट किया जाना, यह कहां तक जायज है ऐसी स्थिति में जब शहर विकास के लिए लालायित है? देखिए भैया, 19/2 को प्रभारी नगर आयुक्त से जो है स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। उन्होंने 18/2/2020 को अस्थायी समिति की बैठक की थी, जो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का बिल्कुल ही उल्लंघन किया गया है इसमें। और उसी दिन अखबार के माध्यम से मुझे पता चला कि DDC प्रभारी नगर आयुक्त ने कहा कि मेयर नगर आयुक्त को शोकॉज नहीं कर सकती हैं। तो भैया, शोकॉज करने का मतलब होता है कि स्पष्ट जानकारी मांगना। मैं भी एक संवैधानिक पद पर बैठी हूँ, इसलिए मुझे भी पता है कि मैं एक भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी को शोकॉज नहीं कर सकती या ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं मेयर होने के नाते जो प्रभारी नगर आयुक्त हैं उनसे नगर निगम क्षेत्र में क्या काम हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं और सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसको लेकर मैंने एक IS या DDC को शोकॉज नहीं किया है, बल्कि मैंने एक नगर पालिका सचिव को शोकॉज किया है और उनसे जो है स्पष्ट जानकारी की मांग की है कि उन्होंने किस प्रावधान के तहत जो है 18/2 को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की है। और जहां तक भैया विकास की बात है, तो ये मैं हजारीबाग की जनता को कहना चाहूंगी कि हजारीबाग का विकास नहीं रुकेगा, बाधित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए मैं जल्द ही उचित निर्णय करके सरकार को जो भी बजट है वो भेजूंगी। क्या लगता है, जंग जारी रहेगी? देखिए भैया, ये जो 18/2 को जो अस्थायी समिति की बैठक की गई है ये तो बिल्कुल ही गलत है और झारखंड नगर पालिका अधिनियम का बिल्कुल ही खुलेआम उल्लंघन है। आज अगर मैं इस पद पर बैठी हूँ तो वो झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत ही बैठी हूँ और मैं चाहूँगी कि जो यहाँ जो काम हो रहे हैं, यहाँ की जो नगर आयुक्त हैं वो नियम संगत काम करें और नियम संगत काम करें, ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी। बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या मुख्यमंत्री के पास जाएंगी आप? बिल्कुल जाऊंगी भैया, ये यहाँ पर जो देखिए मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, मेरे नहीं बोलिए एक महापौर जो पद होता है उस पद के अधिकार का हनन हो रहा है। तो यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर मैं एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से जरूर मिलूंगी।